या उसकी जो बुकलेट है उससे पढ़ेंगे कि बेसमेंट में जो वहाँ का हाउसकीपर है या कह लीजिए नाइट वॉचमैन सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा एक्सेंट्रिक है, उसी बिल्डिंग में शायद एक लड़की काम करती है, उससे उसका कुछ उसको वो रोज़ देखता होगा आते जाते, तो उससे उसका कुछ एक तरफा लगाव, तो एक स्टेटस का प्रॉब्लम है, वो लड़की वहाँ पे ऑफिसर है या जो भी है जॉब करती है, वो एक सिक्योरिटी, वो किस तरह से उसको अपने पास कैद कर लेता है, किस तरह से वो थ्रिल हो जाता है, या जिसने भी उस लड़की की तरफ गलत नज़र से देखा या उसको थोड़ा भी परेशान किया ऑफिस में, वो सबको सज़ा देने की कोशिश करता है। और मेरा उसमें एक कैरेक्टर है जो पुलिस ऑफिसर है, कई बार क्या होता है कि आप बिल्डिंग है, नीचे बेसमेंट है, निकलते रहते हैं लोग पेट्रोलिंग पे होते हैं, पुलिस कुछ साउंड उनको आते हैं, उनको लगता है कुछ गड़बड़ है अंदर, वो देखते हैं आके सब ठीक है, फिर चले जाते हैं, तो एंड में ये रिवील होता है कि भाई यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है एक साइकिक आदमी की वजह से। तो इसी तरह की स्टोरी है वो, बेसमेंट मतलब बेसिकली एक बिल्डिंग का बेसमेंट जो पार्किंग लॉट है। मैं अभी बोला था कि दरअसल हम लोग जो हैं वो फिल्म के अंदर जब भी हम लोग रोल करते हैं, तो चाहे हम विलन का रोल कर रहे हों या कोई और कैरेक्टर कर रहे हों, तो गाने हमारे साथ होते नहीं हैं, तो मुझे जानकारी नहीं है कि किस तरह का म्यूज़िक है। अब लॉन्च होगा, अब मैं सुनूंगा तब मैं आपको बता सकता हूँ। मैं ईमानदारी से ही बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं फिल्म में गाने कैसे कैसे हैं। मैं यहाँ पे म्यूज़िक लॉन्च पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, इज्जत दी तो मैं आया। तो अभी पर मैं म्यूज़िक के बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास उसकी जानकारी नहीं, मैंने सुना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उसका पार्ट ही नहीं रहे शूटिंग पे, या तो ये कह पाते कि भाई हम लोग पार्ट होते गाना सुनते, तो ये सवाल तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा।